हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए, मैं आज एक और वीडियो लेकर आ गया हूँ। डोंगरगढ़ जो माता बम्लेश्वरी का मंदिर है, वहाँ से 15 किलोमीटर दूर स्थित ढारा से थोड़ा आगे ग्राम करेला भवानी में बसी माता भवानी मंदिर का ये शुरुआती रास्ता आप देख सकते हैं। इसके दोनों ओर पहाड़ी सा आपको दिखाई देगा और इस शुरुआत में ही आपको कुछ इस तरह से दुकान आपको सजी हुई दिखाई देंगे, जिसमें आपको जो ज़रूरत होगी वो खरीद सकते हैं। शुरुआत में आपको एक राधा कृष्ण मंदिर मिलेगा। इस मंदिर से पहले भी आपको नाग देवता का मंदिर मिलेगा। तो वो जगह है जहाँ से सीढ़ी स्टार्ट होती है। आपको दोनों साइड दो शेर की प्रतिमा मिलेगी। इस मंदिर में चढ़ाई के समय सुविधाएं थोड़ी कम है और आपको इस टाइप का एक बंदर भी दिखेगा जो अलग ही प्रजाति का है, ये वाला बंदर। और जो अपन नॉर्मल बंदर देखते हैं वो भी आपको देखने को मिलेगा, ये थोड़ा अलग प्रजाति का बंदर है। और ये दृश्य है जो सीढ़ी के आसपास आपको देखने को मिलेगा। सुविधाएं यहाँ पर बहुत ही कम है, आपको अपनी सुविधाओं के साथ जाना पड़ेगा। आपको कुछ कुछ जगहों पर ही सुविधाएं मिल पाएंगी, पीने के पानी का सुविधा है वगैरह वगैरह। और ये वो जगह है जहाँ से बहुत ही सुंदर नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। तभी हम बहुत ही ऊपर हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं वो मस्त आपको दिख रहा होगा दृश्य, बहुत ही सुंदर, अच्छा मनोरम दृश्य। ये जो दृश्य है मैंने इसे दोपहर में शूट किया है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि दोपहर का दृश्य होगा। फाइनली दोस्तों, हम लोग आ गए हैं माता भवानी के मंदिर में। जिस दिन मैं आया उस दिन हवन हो रहा था। जो मंदिर से नीचे माता जी का झूला बनाया गया है, आप देख सकते हैं ये वो सीढ़ी है जो आपको माता भवानी तक पहुंचाएगी। चलिए मंदिर चलते हैं। आप माता भवानी का दर्शन कर सकते हैं। जरूर आइएगा दोस्तों। माता भवानी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। और ये कुछ दृश्य से मैंने उतरते हुए लिया हुआ है। फाइनली दोस्तों, हम लोग नीचे उतर भी गए। उतरते वक्त किसी प्रकार की दिक्कत या परेशानी नहीं होती। चढ़ते समय अगर आप जल्दी थक जाते हैं तो अपने साथ सुविधाएं लेकर जरूर जाएं, पानी जैसी चीज़ें जरूर रखें। और ये जो नीचे मंदिर, जो भवानी माता मंदिर से जो नीचे था, वहाँ जो ज्योति कलश स्थापना की गई थी उसका दृश्य है, आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर लग रहा है।
चढ़ते वक्त या उतरते वक्त भी आप इस मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। मंदिर बहुत ही सुंदर और अच्छी है। एक बार फिर से मैं आप लोग लोकेशन बता दूं, डोंगरगढ़ से 15 किलोमीटर दूर ढारा से एक गांव है करेला भवानी करके, वहां ये स्थित है माता भवानी मंदिर। आप कोई भी मौसम में कभी भी आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही हो तो आप मेरे हिसाब से ना जाएं, क्योंकि बारिश में आपको दिक्कत हो सकती है। वैसे कोई भी मौसम में आप यहाँ आ सकते हैं। आपको कैसा लगा वीडियो, ज़रूर कमेंट में बताएं, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।